Use of must, must not, must have, must not have, must have to, must not have to. यानी कि हम इसे must की सारी form करेंगे, हर form में must करेंगे कि must कहाँ लगेगा. सबसे पहले है rule क्या है must को use करने का. देखिए rule, सबसे पहले subject आता है, फिर must आता है, verb की first form और object. अगर negative में है तो subject must not, verb की first form और object, verb की first form. अब देखिए सबसे पहली बात है कि must लगाना कहाँ पे है, ठीक है ना, must का use कहाँ करना है. तो use हमें must का वहां करना है जब कोई काम जरूरी है, यानी सेंटेंस में जरूरी आएगा, अवश्य आएगा, यानी बहुत जरूरी, जिसको छोड़ नहीं सकते. अगर उसे छोड़ा तो शायद पता नहीं क्या हो जाए. तो अवश्य या जरूरी, और लास्ट में ना चाहिए, ना चाहिए, वहां पे हमने must लगाना है. और साथ में must क्या करता है, must का काम होता है जो हमारे एक सेंटेंस होता है ना, must उस पर दबाव डालता है, ठीक है ना, कि जरूर करना है, बहुत जरूरी है. जरूरी के लिए, चाहिए के लिए हम should भी लगाते हैं, लेकिन शुड चाहिए, चलो कोई किया किया, नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है. आउट टू भी लगाते हैं चाहिए के लिए, लेकिन मस्ट इसलिए है कि जरूर करना है, इसके बिना नहीं चलेगा. जो काम बहुत ज्यादा जरूरी है वो काम मस्ट. कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें अवश्य भी नहीं होता और जरूरी भी नहीं होता, उसमें मस्ट जरूर लगता है. हमें कैसे पता लगेगा कि उस सेंटेंस में मस्ट लगेगा, तो ये हम देखेंगे अपने कुछ सेंटेंसेस के साथ. चलो हम अपने सेंटेंसेस पे चलते हैं. सबसे पहले हम मस्ट का यूज देखेंगे, सिंपल मस्ट का. सब्जेक्ट मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. और नेगेटिव में है तो मस्ट नॉट, और इंटरोगेटिव में है तो पहले मस्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो पहले मस्ट, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. ये रूल है. अब मस्ट देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस के साथ. मस्ट करेंगे जिस सेंटेंस में जरूर होगा या अवश्य होगा, और लास्ट में ना चाहिए. तुम्हें जरूर खेलना चाहिए, उसने कहा कि जरूरी खेलना चाहिए, कि अब तक वो बोर हो रहा हो, तुम्हें जरूर खेलना चाहिए ताकि तुम ठीक हो जाओ, ठीक है. तो यू मस्ट प्ले, तुम्हें जरूर खेलना चाहिए. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू. जरूर खेलना चाहिए, लास्ट में ना चाहिए और बीच में जरूर या अवश्य खेलना चाहिए, मस्ट. खेलना प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट वन, अगर मैं ये कहूं कि तुम्हें जरूर नहीं खेलना चाहिए, यू मस्ट नॉट प्ले. नेक्स्ट अगर मैं कहूं कि क्या तुम्हें जरूर खेलना चाहिए, मस्ट यू प्ले. क्या तुम्हें जरूर नहीं खेलना चाहिए, मस्ट यू नॉट प्ले, ठीक है ना. तुम्हें अवश्य आज्ञाकारी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, यू मस्ट ओबीडियंट. आज्ञाकारी, ओबीडियंट, तुम्हें जरूर होना चाहिए. ना चाहिए आ रहा है और स्टार्टिंग में जरूर आ रहा है, अवश्य आ रहा है, तुम्हें अवश्य आज्ञाकारी होना चाहिए, यू मस्ट ओबीडियंट. नेक्स्ट, तुम्हें जरूर किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, यू मस्ट कंसल्ट टू एनी डॉक्टर. किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्या वो बहुत ज्यादा बीमार हो, क्या पता, तो आप उसे, तुम्हें जरूर किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, यू मस्ट कंसल्ट टू एनी डॉक्टर. जरूर आ रहा है स्टार्टिंग में, बीच में अवश्य आ रहा है, और लास्ट में ना चाहिए आ रहा है. नेक्स्ट वन, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें जरूर किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लेनी चाहिए, यू मस्ट नॉट कंसल्ट टू एनी डॉक्टर. मस्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या तुम्हें किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्या तुम्हें जरूर किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, मस्ट यू कंसल्ट टू एनी डॉक्टर. क्या तुम्हें किसी डॉक्टर से जरूर सलाह नहीं लेनी चाहिए, मस्ट यू नॉट कंसल्ट टू एनी डॉक्टर. तो इसमें मस्ट हो गया, मस्ट नॉट हो गया, इंटरोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव इंटरोगेटिव भी हो गया. अब देखिए, हमें पानी बचाना चाहिए. अब इस सेंटेंस में ना तो जरूर है और ना ही मस्ट है, कुछ भी नहीं है ना, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इनकी पानी बचाने पे दबाव खत्म हो गया, नहीं ना.
तो हमें पानी तो हमें बचाना चाहिए और ये जरूर बचाना चाहिए, ये सबको ही पता है कि जरूर बचाना चाहिए। तो इसमें मस्ट लगेगा, क्यों लगेगा? ना तो इसमें जरूर है ना अवश्य है, लेकिन ये जरूरी है, ये हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें मस्ट लगेगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, मैंने पहले ही कहा है कि जिसमें अवश्य भी नहीं होता और जरूर भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें मस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो जरूर है, जरूरी है, पानी हमारे लिए जरूरी है, अगर पानी नहीं तो हम कुछ नहीं, हमें पानी बचाना चाहिए। तो क्या आप इसमें मस्ट नहीं लगाओगे? लगाओगे। वो मस्ट सेव वॉटर, जरूर, मस्ट जरूर। आप दो एक दिन भी पानी के बिना नहीं रह सकते, क्यों? जरूरी हो गया ना आपके लिए, जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, तो वो मस्ट हो गया। नेक्स्ट, तुम्हें अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। यू मस्ट टेक केयर अबाउट यूर सेल्फ। अगर मैं कहूँ तुम्हें अपना ख्याल जरूर नहीं रखना चाहिए, यू मस्ट नॉट टेक केयर अबाउट यूर सेल्फ। अगर मैं कहूँ क्या तुम्हें अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए, मस्ट यू टेक केयर अबाउट यूर सेल्फ। नेक्स्ट है, नेगेटिव इंटरोगेटिव पे चलते हैं। क्या तुम्हें अपना ख्याल जरूर नहीं रखना चाहिए, यू मस्ट यू नॉट टेक केयर अबाउट यूर सेल्फ। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों को पोलियो ड्रॉप की खुराक पिलानी चाहिए। क्या इसमें भी जरूर नहीं है और अवश्य भी नहीं है? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप नहीं पिलानी चाहिए, पिलानी चाहिए। अगर नहीं पिलाएंगे तो क्या होगा, उनमें डिजीज आ जाएंगे, पोलियो आ जाएगा, कोई भी पार्ट खराब हो सकता है बॉडी का। तो ये तो मस्ट ही है ना, पानी मस्ट है, हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें भी जरूर नहीं है और अवश्य नहीं है, तो तब भी मस्त लगेगा, क्योंकि पॉल्यूशन सच में नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, हमें बच्चों को पोलियो की खुराक पिलानी चाहिए, वही मस्ट। देखिए इसमें अवश्य भी नहीं है और जरूर भी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, जो हमारे आने वाले और पीढ़ियां हैं उनके लिए। ठीक है ना, हमें बच्चों को पोलियो खुराक पिलानी चाहिए, वही मस्ट गिव पोलियो ड्रॉप्स टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसमें मस्ट लगेगा, इसमें जरूरी भी नहीं है अवश्य भी नहीं है, लेकिन जरूरी तो है ना, ये है ना। ये तो नहीं कर सकते कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। पानी के लिए भी कि नहीं हुआ तो आप पानी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। अभी तो चलो ठीक है कि चल रहा है, लेकिन पॉल्यूशन करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी खराब होती है, तो हमें जरूर पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, यही होता है ना, ऐसे ही उसमें भी मस्ट लगेगा। जो चीजें जिसमें जरूरी अवश्य नहीं होता लेकिन मस्ट लगता है, क्योंकि वो चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, अब देखिए तुम्हें अवश्य आगे बढ़ना चाहिए, यू मस्ट गो अहेड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए मस्ट हैव का यूज कहां करना है। मस्ट हैव क्या कहां होगा, या फिर मस्ट नॉट हैव। पहले सब्जेक्ट मस्ट हैव है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मस्ट हैव टू होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती, मस्ट हैव है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मस्ट नॉट हैव के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, बीच में अवश्य और जरूरी आएगा, और चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये आएगा, चुका है, चुके हैं, चुकी है। इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं। राम अवश्य दूध पी चुका है, राम मस्ट हैव ड्रिंक ड्रंक ड्रंक थर्ड फॉर्म ड्रंक। राम मस्ट हैव ड्रंक मिल्क, सब्जेक्ट राम, मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक मिल्क। अगर मैं कहूं राम अवश्य दूध नहीं पी चुका है तो राम मस्ट नॉट हैव ड्रंक मिल्क। क्या राम अवश्य दूध पी चुका है, मस्ट राम हैव ड्रंक मिल्क। क्या राम अवश्य दूध नहीं पी चुका है, मस्ट राम नॉट हैव ड्रंक मिल्क। ठीक है ना, अध्यापक अवश्य पढ़ा चुका है, टीचर द टीचर मस्ट हैव टॉट। पढ़ा चुका है, मस्ट जरूर पढ़ा चुका है वो, वह जरूर सब कुछ देख चुका है, he must have seen everything, seen taught third form teach ki taught see ki third form seen, he must have ke sath third form seen everything। agar main kahu vah sab kuch nahi dekh chuka hai
He must not have seen everything. क्या वह सब कुछ नहीं क्या वह जरूर सब कुछ नहीं देख चुका है Must he क्या वह जरूर सब कुछ देख चुका है Must he have seen everything? क्या वह जरूर सब कुछ नहीं देख चुका है Must he not have seen everything? ठीक है ना अब देखिए बच्चे अवश्य खेल चुके हैं Kids must have played. Next, वह अवश्य फिल्म देख चुका है. He must have watched movie. तो ये जो है ये sentences है must have के अवश्य या जरूरी हो लास्ट में चुका है चुके हैं चुकी है आप देखेंगे must have to का यूज कहाँ करना है जब स्टार्टिंग में अवश्य या जरूरी हो लास्ट में ना है वहां पे must have to लगेगा और verb की first form लगेगी subject must have to verb की first form object negative के लिए subject must not have to verb की first form object अब देखिए जैसे कि हमें जरूर paper देना है जरूर आ रहा है last में आ है देना है we must have to give exam verb की first form have to के साथ verb की first form जरूर must have to verb की first form we must have to give exam अगर मैं कहूँ हमें जरूर paper नहीं देना है तो we must not have to give exam क्या हमें जरूर paper देना है must we have to give exam क्या हमें paper जरूर नहीं देना है must we not have to give exam ठीक है तुम्हें अवश्य मेरा काम करना है you must have to ना है आ रहा है और अवश्य आ रहा है you must have to do my work you must have to do verb के first form do my work तुम्हें जरूर जाना है you must have to go तुम्हें जरूर नहीं जाना है you must not have to go क्या तुम्हें जरूर जाना है must you have to go क्या तुम्हें जरूर नहीं जाना है must you not have to go difference है ना negative में भी है interrogative में भी है negative interrogative में भी है हर form में हम इसे use कर रहे हैं अब तुम्हें अवश्य नहीं पढ़ना है तो नहीं आ है और अवश्य must not have to you must not have to study अवश्य नहीं पढ़ना है तो देखिए आज हमने क्या किया इसमें must किया है must not किया है must have किया है must not have किया है सिर्फ आपकी third form लग रही थी ठीक है must have must not have verb की third form must not have to verb की first form और सब फिर interrogative भी किया है negative interrogative भी किया है ठीक है thank you Thank you for watching this video. और ज़्यादा updating videos के लिए आप हमारे channel Learn and Grow पर हमें subscribe कर सकते हैं. Thank you.